और ये गाइस फायर पान बिल्कुल तैयार है, जो कि उसमें आग लग रही है। अब ये जाने वाला है मुंह में, और गाइस ये हमने पान मंगवाया है भैया के यहाँ से। ये है भैया के यहाँ का चॉकलेट पान, ये मीठा पान है। ये देखिए इसकी क्वालिटी, और इसकी इसमें रोज है, चांदी का भरा गया, दुनिया भर की आइटम भैया ने डाली हुई है। ये देखिए चॉकलेट भी घुल गई मुंह में। क्या डेयरी मिल्क भी खा के लगेगा कि क्या खाया मैंने। डेयरी मिल्क भी खा के आपको इतनी चॉकलेट का टेस्ट नहीं आएगा जितना भैया की डार्क चॉकलेट खाने के बाद टेस्ट लग रहा है। चॉकलेट पान कितने का है? 40 रुपए का है चॉकलेट पान मिलेगी। और ये हमारा चॉकलेट पान भैया ले कर आ रहे हैं। ये हमारा चॉकलेट पान ये रहा। और गाइस ये हमने पान मंगवाया है भैया के यहाँ से। ये है भैया के यहाँ का चॉकलेट पान, और ये है हैप्पी पान वालों के यहाँ का। हाँ जी अंकल जी, एक मिनट बस, एक मिनट दे दो बस, आप ज़्यादा देर नहीं कह रहा मैं आपसे। ये जो आपने पान बनाया है, ये इसके अंदर क्या क्या डालते हैं आप? इसके अंदर तो बहुत सारे सामान हैं। नहीं नहीं, कुछ तो के जो 2, 4, 10, 8 जल्दी जल्दी नाम लेके बता सकते हैं। जैसे कि इस पे हमने ऊपर से दिखाई दे रहा है, तो पान हो गया, चेरी हो गई, चॉकलेट आपने रखी ऊपर, चॉकलेट सिरप डाला जो इसके अंदर डाला जाता है। अंदर कोई स्पेशल आपके यहाँ की आइटम? कई तरह की तो चटनियाँ हैं इसमें, कई तरह की चटनियाँ हैं, और खुशबू है, मसाले है, मसाला है, दुर्गंध है, अच्छा कत्था चूना सब कुछ लगता है। कत्था चूना तो लाजमी ही डलता है। कई तरह की कुछ आप ऐसी स्पेशल आइटम जो आप ड्राई फ्रूट हो गई या कुछ ऐसी? नहीं ड्राई फ्रूट बाहर की आइटम आप डालते हैं मंगा के इसमें? दूसरे पान में डाले। अच्छा वो कौन सा पान है भैया? ड्राई फ्रूट के अलग पान बनते हैं। वो पान कितने का है भैया, ड्राई फ्रूट वाले जो पान होते हैं? अच्छा बना नहीं रहे आप? इसमें चटनियाँ हैं, काफी तरह की चटनियाँ लगे, खुशबू लगे, मसाले हैं, गुलगंध है, बहुत सामान गिरे। अच्छा बहुत सारा सामान है जो इसमें डाला जाता है, गुलगंध वगैरह तो डाली है, लच्छा भी है, छुआरा भी है, सब कुछ है, बहुत सामान, छुआरा वगैरह। यही मैं मालूम करना चाह रहा हूँ कि आप इसके अंदर क्या क्या डालते हैं, क्योंकि आपने और फायर पान आप बना कर रहे हैं। फायर पान बनाते नहीं है? फायर पान है। वो कितने का है? 50 रुपये का फायर पान है। तो वो भी खिलवा दो आप हमें, एक फायर पान मिलेगा भी। फायर पान भी है भैया के पास, और हम आपको बता रहे हैं भैया खाकर कि भैया का पान कैसा है भैया ने। और ये भैया का पान बड़ा ख़तरनाक है, बिल्कुल चॉकलेटी चॉकलेट हो रही है, ज़बरदस्त पान है भैया का, चॉकलेट भी घुल गई मुंह में। क्या डेयरी मिल्क भी खा के लगेगा कि क्या खाया मैंने। डेयरी मिल्क भी खा के आपको इतनी चॉकलेट का टेस्ट नहीं आएगा जितना भैया की डार्क चॉकलेट खाने के बाद टेस्ट लग रहा है। क्वालिटी बहुत अच्छी है भैया की, और इसके अंदर वैरायटी बहुत ज़्यादा भरी हुई है। अंदर आप देखिए कुछ दिखाई दे रही होगी, इसके अंदर सौंफ है, मिश्री है, और बहुत सारी कुछ कुछ ड्राई फ्रूट के से भी पीस लग रहे हैं मुझे खाने के बाद, कैसा महसूस दे रहे हैं। गुलगंध है और चेरी वगैरह, बहुत सारी वैरायटीज के अंदर भैया ने डाली हुई है। टेस्ट बहुत अच्छा है, टेस्ट बहुत अच्छा लग रहा है मुझे इसका। और भैया कह रहे हैं कि फायर पान भी है, और फायर पान भी हम भैया का खाकर आपको बताएंगे कि कैसा लगता है। और ये गाइस फायर पान बिल्कुल तैयार है, जो कि उसमें आग लग रही है। अब ये जाने वाला है मुँह में, और भैया ने तो मुंह ही बंद कर दिया, इतना बड़ा पान है क्या बोलूं। भैया ने खिलाया मुझे फायर पान, और जबरदस्त लग रहा है इसको, बोल भी नहीं पा रहा यार मैं, इतना बड़ा पान का पुट्टा दे दिया भैया ने, मुंह बंद कर दिया भैया ने। ये हमने खाया भैया फायर पान। कपूर डालते होंगे? कपूर